डॉक्टर अर्थम। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आज स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम जैसे कि फाइलम्स को पढ़ते आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम फाइलम को ही कंटिन्यू करेंगे और फाइलम को ही डिस्कस करेंगे कि फाइलम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद थी और किस तरीके से हम फाइलम्स को पढ़ रहे थे। याद रहे कि हमने स्टार्ट किया था अपने फाइलम पॉलीफेरा से और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो एक नया फाइलम होगा, दैट इज़ फाइलम मोलस्का। और ये फाइलम मोलस्का किस तरह का है इसको डिटेल में आपने डिस्कस करना है। याद रहे बच्चों, जब हम फाइलम मोलस्का की बात कर रहे हैं तो इससे पीछे के फाइलम्स को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये फाइलम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर कोई भी बात, कोई भी मसले दरपेश हो अकॉर्डिंग फाइलम पढ़ने में, तो आप वो काइंडली इन फाइलम्स को पहले पढ़ के फिर उससे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। यू पीपल आर जस्ट फ्री टू आस्क। और अगर मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा तो आप मुझे वही मैसेज दोबारा भेज दीजिएगा, तो मैं दोबारा देख के उसको जवाब दे दूँगा। अक्सर कभी ऐसा होता है कि मैं देख लेता हूँ, मैं बिजी होकर जवाब नहीं दे पाता, फिर मैं भूल जाता हूँ, तो आप वो दोबारा भेज दीजिएगा। इसमें कोई मज़ाक की बात नहीं, और ना ये सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा, तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। यहाँ अगर बात आई किसी बच्चों फाइलम मोलस्का की, तो फाइलम मोलस्का की बात, अच्छा पहले हमने डिस्कस किया फाइलम एनिलेट्स। एनिलेट्स के अंदर हमने कहा था कि एनिलेट्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंटली डिवाइडेड हो जाती है, और उसमें कहा था कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हमने कहा था यार ट्रिपुलर ग्लास पे ह्यूज सेलोमिक कैविटी मौजूद है, तो हमने इसको म्यूमेटाजोआ भी कहा था। कहने का मतलब ये है कि हमने ये सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो लिखे थे और जो बताए थे बच्चों, वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो थे वो हमारे पास एनिलेट्स के। एक मिनट ज़रा बच्चों, मुझे ज़रा टाइम दी। अच्छा, तो ये हमारे पास एनिलेट्स कहला रहे थे। फिर हमने इनकी क्लासेस को डिस्कस किया था, तो हमने इनकी डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था, हमने इनके लार्वा के बारे में बताया था। अच्छा बच्चों, क्लासेस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था कि अर्थवर्म के अंदर हमारे पास जो हेरोडेनिया आया था हमारे पास, पॉलीचिंटा आया था हमारे पास, ऑलिगोचिंटा आया था हमारे पास, तो ये सब हमारे पास आया किया करते थे, तो हमने ये तमाम बातों को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट हो रहा है और लेक्चर 8 के अंदर हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा लेक्चर, हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास जो भी फाइलम हमारे पास है बच्चों, उस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। सही है बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फाइलम मोलस्का। अच्छा बच्चों, फाइलम मोलस्का के बारे में बात करते हुए दो चार बातों का हम ख्याल रखेंगे कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है खुद और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोलस्का का मायने ही होता है कि दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। पहली बात तो क्लियर हो गई कि दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। इनकी जो बॉडी होती है बच्चों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, सॉफ्ट बॉडीज होती है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी और अभी भी ये बात समझाऊंगा कि जब भी कभी फाइलों को डिस्कस करते हैं तो दिमाग में एक बात आना बेहद ज़रूरी है। वो बात क्या है? वो बात दरअसल ये है कि भाई ये जो फाइलम है, इस फाइलम के अंदर आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसकी एग्जाम्पल क्या आती है। जब हम इनकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसके लिए आप इसमें आपके लिए और आसानियाँ हो जाएंगी कि जब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बच्चों, इनकी एग्जाम्पल्स की दरअसल बात करते वक्त सिंपल बताया जाता है कि आपने अगर आप यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल्स पर आ गए, ठीक है ना बच्चों, जब आप इनकी एग्जाम्पल्स पर आ गए, ठीक है, तो इनकी एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? इनकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है जिसको आप कहते हैं स्नेल, जैसे आप कहते हैं ऑक्टोपस। ये इसीलिए मैंने पहले लिख दिया बच्चों ताकि आपके लिए आसानी हो, आप लोग इससे रिलेटेड ऐसे करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता सको। आप इससे रिलेटेड इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने का मतलब ये कि
आपने देख लिया कि ये ऑक्टोपस है, आपने देख लिया इसमें स्नेल है, अब आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लें कि हाउ ऑक्टोपस लुक्स लाइक, हाउ स्नेल्स लुक लाइक, आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को जरा अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बात की कि आपने एक जनरल बात बता दी कि यहाँ पर मोलस्का जो है इसके अंदर ऑक्टोपस और स्नेल जैसे कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सब, तो ये कहा जाता है कि भाई ये हमारे पास ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं। आप शायद बताने की जरूरत नहीं होगी व्हाट डू मीन बाय ट्रिप्लो ब्लास्टिक। बच्चों, ट्रिप्लो ब्लास्टिक का मतलब होता है जो तीन जर्म लेयर से मिलकर बने हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। और यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने और बताना चल रहा हूँ, वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास ये है कि हमने ये कह दिया कि भाई ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे पास एक बात, इसमें ये बात बता देता हूँ, इनकी कैविटी की बात आती है तो बच्चों इनकी कैविटी के बारे में कहा जाता है कि देर आर सीलोमेट। व्हाट डू मीन बाय सीलोमेट? सीलोमेट हमारे पास वो होता है जिसके पास टू बॉडी कैविटी या टू सीलोमेट कैविटी मौजूद है। और यहाँ बताया जाता है बच्चों कि ये हमारे पास बाई लैटरली सिमेट्रिकल है, बाई लैटरली सिमेट्रिकल। सवाल ये है कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? एक दफा दोबारा बताता चलता हूँ, बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कैन कट, अच्छा वर्ड नहीं है, कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो एनी एक्सेस, किसी भी एक एक्सेस से अगर आप उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड फाइलम मोलस्का। आपसे पूछा जाए व्हाट इज फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये होता है कि दो इक्वल हाफ्स में बड़े आसानी से ये डिवाइड हो सकते हैं, सही। अच्छा, इनकी बॉडी और अगर बात की जाए, बॉडी इज मोस्टली अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड। उनकी बॉडी या तो कहा जाता है कि नॉन सेगमेंटेड होती है या तो अनसेगमेंटेड होती है, यानी इसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट यानी एक, यानी अगर आप इनकी, चलिए इस पॉइंट को मैं अगली उस पर अगली उस पर जगह पर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दें, जब हम अपने कहाँ ना होते हैं ये एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने और रखना हूँ, हिंदू है वो हमारे पास ये है, ये कहाँ जाता है के इनका जो साइज होता है या इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में कहा जाता है इतना स्मॉलेस्ट से लेके जितना कि लुक लाइक अ ग्रेन, एक जर्रे के जितना होता है, और लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इसी में जाता है, सही है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट यानी कि जायंट स्क्विड उसी में ही आता, ठीक है। तो ये तकरीबन होता है 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर इतना बड़ा स्क्वेड है, तकरीबन 1800 केजी इसका वेट है, ठीक है। ये जायंट स्क्विड की बात की गई। देखो बच्चों, हमने जो एनिमल्स थे ना, याद रखना, अगर हमने एनिमल्स की बात करते चल रहे थे तो जो हमारे पास एनिमल्स हुआ करते हैं, एनिमल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रेट, और एक होते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। आपको पता है कि वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, और जिनके पास बैकबोन नहीं होती होती है।
अभी तक हम जितने फाइल पढ़ चुके हैं वो सारे वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग दिस मोलस्का। तो इन तमाम वर्टिब्रेट में सबसे लार्जेस्ट एनिमल जिस फाइलम में मौजूद है वो है मोलस्का। अभी तक तो हमने वर्टिब्रेट पढ़े ही नहीं, अभी तक तो हम आगे पढ़ेंगे वर्टिब्रेट, ठीक है, कॉर्डिनेट्स में, अभी तमाम हम इनवर्टिब्रेट पढ़े। तो आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट this giant squid, giant squid जो है बच्चों ये largest invertebrate, largest invertebrate, ठीक है ना, ये बात आ रहा है। अच्छा बच्चों अब अगर मैं इनकी बॉडी की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या बताया जाता है इनके, अगर हम जनरली और बॉडी पार्ट्स की बात करते चले तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो अगर मैं एक्सोस्केलेटन मॉडल, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, अगर आप स्नेल्स को देखें बच्चों तो समझे जैसे दस नहीं, ठीक है ना, ये और इस स्नेल के ऊपर तो स्नेल के बारे में बताया जाता है ये होता है इसका शेल का एक्सोस्केलेटन भी है और डीएसपी होती है सॉफ्ट बॉडी। बच्चों शेल जो है वो है एक एक्सोस्केलेटन, शेल के बारे में बताया जाता है, शेल हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन, इस एक्सोस्केलेटन के हवाले से जो पॉइंट सामने आता है वो क्या है, वो है ये कि जब ये शेल हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन तो इस एक्सोस्केलेटन के हवाले से ये बताया गया कि एक्सोस्केलेटन दो फाइलम्स के अंदर या किससे मिलकर बने होते हैं, या एक्सोस्केलेटन क्या होता है मुझे बता दें कि आउटर मोस्ट स्केलेटन, सही, या ये फाइलम स्केलेटन दैट सराउंड्स ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स को सराउंड कर दे, जो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सराउंड कर दे, लपेट ले, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सोस्केलेटन, सही। याद रहे कि ये जो एक्सोस्केलेटन है बच्चों ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। अच्छा ये ज्यादातर किन फाइलम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये दो फाइलम्स के अंदर तो मोस्ट कॉमन, एक इसमें मोलस्का में, दो में कॉमन, एक बच्चों मोलस्का और एक ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड मैंने भी आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी आपको पढ़ाऊंगा। मोलस्का जो है बच्चों, मोलस्का में ये मिलने वाला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ऑर्थ्रोपोड में मिलके बना होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्काइटिन, बहुत सारे लोग इसे चिटिन भी पढ़ते हैं लेकिन द प्रेस वर्ड इज काइटिन, सही, कंटिन्यूअस कवरिंग कहलाई है ना, खुद का नॉन लिविंग एक्सटर्नल कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग कवरिंग। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर शेल है तो ये शेल मोस्टली इससे मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस स्नेल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके सामने मैं रखता चल रहा हूँ कि भाई जब हमने इसकी बेसिक बात की तो ये कहा जाता है कि
इनकी कवरिंग होती है, यानी मोलस्का जो है एक यूँ समझते हैं क्या कहेंगे, एक एंटायर कवर से सराउंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। सही है, तो आपने क्या कह दिया कि बॉडी ऑफ मोलस्का इज सराउंडेड बाय मेंटल बेसिकली एक कवरिंग होती है, एक सराउंडिंग होती है, जिसको आप इसका नाम दे रहे हैं मेंटल का नाम। हमने ये मेंटल की बात करी है भाई, ये हमारे पास मेंटल है। इस मेंटल के बाद अब और चीजों को हम डिस्कस करते हैं, वो है ये कि भाई देखें इनके अंदर की अगर आप बात करें ना, तो ये एक्चुअली क्या है, इनके अंदर एक टाइप का और स्केलेटन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। पहले तो बच्चों आप लोगों को मैं स्केलेटन बता दूं कि स्केलेटन है, देखो भाई स्केलेटन की डेफिनेशन में ना ये बताया जाता है कि स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन, सपोर्ट, डिफेंस, स्टेबिलिटी, सब आपको स्केलेटन प्रोवाइड कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने इसकी बात करी, तो इसकी बात करने के बाद कहा जाता है कि सुनिए अगर मैं इसके टाइप से बात करूँ, तो बेसिकली हर ओवरऑल एनिमल में बात करें बच्चों, जो स्केलेटन होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक ये तीन तरह के स्केलेटन मॉडल है, एंडो, एक्सो एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो बच्चों ये वो स्केलेटन है जो आउटसाइड द बॉडी मॉडल, आउटसाइड द बॉडी ये कहलाता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, जो इनसाइड द बॉडी मॉडल। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है, जो लिक्विड से या वाटर कॉन्टेक्ट से मिलने वाला। अब एक्चुअली ये तो तीन तरह के स्केलेटन, मैंने ये बात की कि मोलस्का की आउटर स्केलेटन यानी स्टील के जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आउटर है, ये बाहर वाले हिस्से में मेरा बच्चा मौजूद क्या है, एक्सोस्केलेटन। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला जो हिस्सा, That is what we call that is hydrostatic skeleton. तो अगर आपसे पूछा जाए what is hydrostatic skeleton, तो hydrostatic skeleton जो है वो यहाँ मौजूद है inside ये सही। अब ये hydrostatic skeleton होता क्या है, इसको भी हम discuss करते हैं, ये मैं बता दूँ फिर आगे। एनिमल जब आपके दिमाग में हो ना बच्चों, तो बड़े आराम से हर कैरेक्टर मिल जाता है। जब एनिमल दिमाग में नहीं होगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, किस तरह की चीजें सारी।
तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसकी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मतलब जब भी कभी मैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात करता हूँ तो वर्ड को आप ब्रेक डाउन कीजिए, एक आ गया हाइड्रो, फिर आ गया स्टैटिक। हाइड्रो का मतलब होता है यानी कि वाटर, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट जो कर रहा होगा, है ना, होमियोस्टेसिस पढ़े ना बल्कि कोई तो कहता है स्टेट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, जो ठहरा हुआ पानी हो उसके थ्रू अगर आप मूवमेंट कराएंगे तो ये क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। देखिएगा किस तरह से ये होता ये है कि दिस इज द स्नेक, मैंने सिर्फ स्नेक का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्केल मूवमेंट किस तरीके से करता है, इसमें पानी आता है, ठीक है, जरा और से देखो होता क्या है कि इसके अंदर ना ये देखो पानी होता है और ये पिछला प्रेस होता है और आगे से रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस इज द मूवमेंट। तो पिछले कॉन्ट्रैक्शन होती है, पानी आगे बढ़ेगा, जब पानी आगे बढ़ेगा तो कुछ मसल्स लेके जाता है, जैसे कि आप लोगों ने अर्थ पंप में भी पढ़ा था कि इसके अंदर मौजूद होता है वाटर, और वाटर के साथ साथ इनके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स। मसल्स जो होता है वो दो तरह के होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर, सही, लॉन्गिट्यूडिनल जो इलॉन्गेशन कर रहा है, खिंचवाए, और सर्कुलर जो कि क्या करें, जो स्ट्रेंथन करा रहे, लंबा लेके जा रहा है, इलॉन्गेशन या सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। तो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक्चुअली ली शैटलियर प्रिंसिपल होता है क्या कि जहां पर स्ट्रेस अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम वहां से मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो अब सिंपल बात ये ली शैटलियर में, ली शैटलियर में ऐसा होता है कि जब आप उसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, जब उसे कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के नतीजे में फोर्स वहां से मूव करके आगे बढ़ जाती है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ली शैटलियर प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे बताया जाता है कि अगर यहाँ पर कंप्रेस कोई चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, पानी मूव करके आगे बढ़ता है, जब आगे जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल उसे इलॉन्गेट कर देता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि भाई ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म चलता है किसका, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब देखिए कि हमने इस पूरे स्केलेटन की बात की, भाई ये हो गया। सेकेंड पॉइंट को मैं और थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे, भाई हमने सारी बातें बता दी आपको किस तरीके से होगा। अच्छा बच्चों ये याद रखिएगा कि जो है कि इनकी जो माउथ होती है, या तो आप कहते हैं माउथ या आप कहते हैं बकल कैविटी, या क्या कह रहे हैं माउथ या आप क्या कहते हैं बच्चों बकल कैविटी, इसके अंदर एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, या कहते हैं बकल कैविटी, इसके अंदर एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैंडुला। ये किसके लिए होता है, ये होता है रेस्पिंग के लिए या पियर्सिंग के लिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इट कॉल्ड द ग्रैंडुला। अच्छा ग्रैंडुला की आपने बात कर ली कि भाई ये होता है ग्रैंडुला और ये किसमें हेल्प कर रहा होता है, बेसिकली रेस्ट करने में, पियरिसिंग करने में हेल्प करता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके अंदर बताया जाता है
कि इनकी जो सेक्सेस होते हैं ना, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस होता है बच्चों कैसे होते सेपरेट। अब जब सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, तो सेपरेट होने के नतीजे में क्या बताया जाता है, आपने जो कह दिया कि सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन टू डिफरेंट बॉडीज, मेल एंड फीमेल दिस बोथ आर फाउंड इन टू डिफरेंट बॉडीज, की हमारे पास इसकी बात आ गई, सेक्सेस की बात आ गई कि सेक्सेस जो है कैसे सेपरेट हो। इसीलिए इनके अंदर इसको आप कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही मेरा अपना जनरेट करता नहीं है कि दो डिफरेंट आपस में यूनाइट कर दें, तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहलाई जा सकती है। अच्छा, ये तमाम बातें तो बच्चों हमने बता दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता चलू, एक है एलिमेंट्री कैनाल, कहा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल आर ऑन या आर ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि माउथ बच्चों के, अगर मैं एक जनरल बात आपके सामने रखूं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, पूरे सिस्टम के, तो मैं इस तरह की बात रखूंगा कि आप ऐसे देखो, चले एक जनरल बात आपके सामने रखो, वो क्या वो होता ही है कि हमने यहां तक की तो बात की। अब अगर मैं
इससे आगे की कुछ बातों को डिस्कस करें बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एनिमल एनिमल का जो मोलस्का है, मोलस्का में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें आपके पास आप जानते हैं होता है एक हमारे पास जो है एक्वेटिक है और एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। इस तरीके से एक्वेटिक होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इसको देखते हुए ये बात बता देते हैं कि एक्वेटिक के पास तो गिल्स मौजूद होते हैं स्पाइन्स में, बट टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनके पास रूडिमेंट्री लंग्स होते हैं, रूडिमेंट्री लंग्स। व्हाट डू मीन बाय रूडिमेंट्री लंग्स? रूडिमेंट्री लंग्स का मतलब होता है जो इतने ज्यादा डेवलप लंग्स नहीं होते, जो इतने डेवलप है ही नहीं, दे आर कॉल्ड द रूडिमेंट्री लंग्स। अच्छा, ये वाली तो बात चले हो गई कि इनको आप रूडिमेंट्री लंग्स का नाम, तमाम बातों को हमने डिस्कस की। अच्छा, फिर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं सही कि जो जो बेसिकली हमारे पास यूँ कहा जाता है कि जो मोलस्का है इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी अगर ये नहीं होगा तो ये मोलस्का नहीं बनाएगा, चलिए। यानी कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स वो किस तरीके से होते हैं कि मेजर कैरेक्टर, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ मेजर कैरेक्टर फॉर मोलस्का। अगर आप किसी को मोलस्का कह रहे हैं तो उनमें भाई ये कैरेक्टर तो होने बहुत जरूरी है। उसमें ये होता है कि भाई हेड फुट पोर्शन में नहीं, दूसरी लंग डॉर्सल विसरल मास होना चाहिए, तीसरी बात जिसको आप इस तरीके से कह रहे हैं कि इनके पास मेंटल होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट करके मैंने बता दिया आपको, उसमें तो लंबा लंबा लिखा होगा। ये है हेड फुट मोशन, डॉर्सल विसरल मास एंड मेंटल, ये इनके पास मौजूद होना चाहिए। अगर किसी में ये मौजूद है तीनों तो ये हमारे पास क्या कहलाए, ये पूरा हमारे पास कहलाता है कि ये ऑर्थोपोड है। इनके पास हेड होना चाहिए, फुट होना चाहिए, हेड फुट पोर्शन होना, डॉर्सल विसरल मास होना चाहिए, मेंटल होनी चाहिए, ठीक है। जब बच्चों ये चीज़ें मौजूद होंगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये तमाम के तमाम हमारे पास कहलाएगा कि भाई मोलस्का। हेड फुट पोर्शन का मतलब लोकोमोशन के लिए भाई फुट होने चाहिए, फॉल्स फुट। विसरल मास का मतलब जिसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हो। मेंटल का मतलब ये है कि प्रॉब्लम है इनके लार्वा। अच्छा, बता देता हूँ बच्चों में ये बात, चलो नीचे अगर बच्चों इनकी मैं लार्वा की बात करूँ, लार्वा का नाम है प्रोटोफोला। सर कल हमने पहले पढ़ा था उसमें वृद्धि हुई था, लेकिन इसका भी प्रोटोफोर लार्वा ई है, सही है। ये बात है, इसको मिटाते हैं आगे कर चलते।
अच्छा ये तो चले बच्चों आपने इसकी मुलाकात की, घर में बातें करने के भाई ये होता है और मेन कैरेक्टर भी आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। मुलाकात की फिर क्लासेस की बात करते हैं, सही। क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिक्स टाइप्स की क्लासिफिकेशन। लेकिन हम जो चीज डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर तीन तरह की डिस्कस करनी है, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोड एंड बाइवेल्व। ठीक है, वर्ड खुद बताएगा, साइंस की क्लासिफिकेशन है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, तो पहली क्लास होती है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। व्हाट इज मीन बाय गैस्ट्रोपोडा? गैस्ट्रोपोडा का मतलब ये होता है कि वर्ड टू ब्रेक डाउन गैस्ट्रो और दूसरा बन गया पोडा, ठीक है। गैस्ट्रो का मतलब होता है विसरल मास, पोडा का मतलब होता है लेग्स, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा का मतलब होता है कि ऐसे कहते हैं कि लेग्स ऑन विसरल मास। चल, लार्जेस्ट क्लास ऑफ लार्जेस्ट क्लास, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहा जाता है कि मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें कही जाती है? सम आर मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, और यहाँ पे एक बात और पता चलू, स्टिल सम आर टेरेस्ट्रियल। ठीक हो गया ये बात। इनमें एक बात बताई जाती है कि इनमें एक अलग सी चीज होती है कि ये अपनी पूरी बॉडी को 180 डिग्री पर ट्विस्ट कर सकता है। सॉफ्ट बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी, बड़े आराम से ट्विस्ट कर सकता है। So they can twist their body at around 180 degree, और इस phenomena को नाम दिया जाता है torsion। इस phenomena को नाम किसका दिया जाता है? torsion, सही। इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है एक और कहते हैं, उसका नाम है पेला, सही। बहुत से लोग पाइला कह रहे होते हैं, पेला या अच्छा अल्फाज, अच्छा अल्फाज या आसान सो वगैरह के लिए, दैट इज इसलिए देखा है ना, पेट को उसके लेग्स होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्या दूसरा आता है, जिसको आप कहते हैं सेफेलोपोडा। ठीक है, सेफेलोपोडा के बारे में कहा जाता है कि सेफेलोपोडा क्या होता है, या लाइन से अगर आपके बुक के थ्रू बताऊं तो इधर आता है बाइवेल्व भी है, क्योंकि बुक में लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माशाल्लाह से है। तो बाइवेल्व की बात करें, बाइवेल्व का मतलब होता है टू वेल्व, ठीक है। ये एक्चुअली वो ऑर्गन है बाइवेल्व का, क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक शेल के अंदर क्लोज है और ये शेल एक हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है,
यहाँ कहा जाता है कि दे आर नेम ड्यू टू द शेल दैट सराउंड्स देम। उस शेल जो उसको सराउंड करता होता है वो बेसिकली दो वेल्व होते हैं, कहा जाता है टू वेल्व जॉइंटेड विद पेन जॉइंट। जो पेन जॉइंट में सराउंड हुआ होता है क्या यूनाइट हुआ होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके खास बात अगर मैं आपको बच्चों बताऊं, इनमें आ जाता है एग्जाम्पल में यूनियन और ये पर्ल ओइस्टर जो मिला पर्ल फॉर्मेशन का। पर्ल फॉर्मेशन क्या होती है मैं आपको बता दूंगा अभी आगे कि ये क्या फॉर्म करते हैं पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन क्या है ये आपको आगे बताते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्या सेफेलोपोड्स। अच्छा सेफेलोपोड्स के बारे में हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं कि व्हाट आर सेफेलोपोड्स। जब भी कभी हम सेफेलोपोड्स की बात करते हैं कि व्हाट आर सेफेलोपोड्स, तो सेफेलोपोड्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि वर्ड को ब्रेक डाउन करें ये बन जाता है सेफेलो और ये आता है पोड्स। सेफेलो का मतलब होता है हेड और पोर्ट्स का मतलब होता है लेग्स। तो इसमें कहा जाता है हेड आर सराउंडेड बाय लेग्स, यानी कि इसकी एग्जांपल आप देखने आ जाती है कि जनवरी हमारे पास आ जाता है अक्टूबर इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है हमारे पास अक्टूबर हेड जो है वो किसी तरह हो रहा है लेग्स, यानी हेड एक रिंग की तरह से हो रहा होता है और ऊपर लेग्स आ रहे हैं या पेंटिकल जो भी आप कहें। ऑक्टोपस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेविल फिश का, याद रखिएगा बच्चों एमसी में जो भी कहा जाता है डेविल फिश। अगर आप इसके क्या देखें, अगर आप इसकी ब्लड देखें ना तो ब्लू ब्लड होता है, ये कुछ पॉइंटर सब्सटेंसेस रिलीज करता है अंदर से जो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सारी बातें हमने डिस्कस की बच्चों ये हमारे पास आती हैं इसकी, ये हमने डिस्कस कर ली वाल्व मोलस्का। आखिरी बात जो इस चैप्टर की रही है वो रही है पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन एंड व्हाट इज पर्ल फॉर्मेशन, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्ल फॉर्मेशन क्या और ये किस तरह का होता है, क्या क्या चीजें पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल बनता किस तरीके से, मोती कैसे डेवलप होता है, ये तमाम चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।